फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2017 से। चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है, किस देश ने कैंसर से लड़ने के लिए पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है, नए चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट, कैनबेरा जेट बम वर्षक वायुसेना के नंबर 5 स्क्वाड्रन तुस्केरस ने 2017 में अपने 60 वर्ष पूरे किए। यह किस स्थान पर 1 सितंबर 1957 को शामिल हुआ था? तो जहां शामिल हुआ था वो है आगरा। नेक्स्ट, किस देश की मशहूर लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी साव के साथ संयुक्त तौर पर वायुसेना के लिए ग्रिपेन फाइटर जेट बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने एक अनुबंध किया है? तो आंसर है स्वीडन। साव जो है वो एक लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी है, तो उसके साथ अडानी ग्रुप ने अनुबंध किया है। नेक्स्ट है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गौरव बिधूड़ी को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? आंसर है कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने फल एवं सब्जियों की खेती के लिए पंजीकरण जांच एवं प्रमाणन के लिए किस नाम की ऐप विकसित की? तो आंसर है हॉर्टीनेट ऐप। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2017 को किस योजना की घोषणा की? वो है मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार ने किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार 1 सितंबर 2017 को संभाला? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट है, देश का नया रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो जिसे नियुक्त किया गया वो है निर्मला सीता रमण। नेक्स्ट है, सरकार ने अलर्ट जारी कर किस नए कंप्यूटर वायरस के फैलने की चेतावनी दी? तो वो वायरस था लॉकी रैनसम वेयर। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य को 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया? आंसर है असम। असम की जो राज्य सरकार है उसने 6 महीने तक अपने राज्य को अशांत घोषित किया। नेक्स्ट है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो अनिल बैजल। नेक्स्ट है, किसने अमेरिका के डलास शहर में आयोजित US ओपन ग्रैंड स्लैम कैरम टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीत लिया? तो जिसने जीता वो है तेजस्वनी दुदुका। नेक्स्ट है, मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में किस उष्णकटिबंधीय तूफान के पहुंचने से जान माल का अत्यधिक नुकसान हुआ? तो उस तूफान का नाम था लिडिया। नेक्स्ट है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 स्टम्प्स लेने वाले पहले विकेट कीपर का नाम क्या है? तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियाई नेशनल बास्केटबॉल लीग टीम द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अमृत पाल। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं 5 सितंबर। नेक्स्ट है, केंद्र ने किस मिशन के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अंतर मंत्रालय कार्यबल बनाने की घोषणा की? तो आंसर है नमामि गंगे मिशन। नेक्स्ट इज प्लस अलायंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है नारायण मूर्ति को। नेक्स्ट है, किसने ICC वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग में होना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये नहीं है, सॉरी, किसने ICC वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट, आकाशगंगा के केंद्र के पास एक विशालकाय ब्लैक होल की खोज की गई है। यह ब्लैक होल मिल्की वे में किस ब्लैक होल के बाद सबसे बड़ा और विशालकाय ब्लैक होल माना जा रहा है?
इसका आंसर है सैगिटेरियस ए। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने पिता बनने वाले पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है? आंसर इज जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट इज, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की पहली भारतीय महिला एम्बेसडर बनी है? आंसर इज परिणीति चोपड़ा। नेक्स्ट इज, वर्ष 2019 में कौन सा देश भारतोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत। नेक्स्ट, किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? विवेक गोयनका। नेक्स्ट है, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है श्याम शरण ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी बैंकिंग नियामकों ने किस देश की हबीब बैंक को बंद किया? पाकिस्तान। नेक्स्ट, आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? तो वो बना है भारत। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो असम, असम राज्य की सरकार ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स 2017 शुरू किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है, स्लीनेक्स 2017 युद्धाभ्यास भारत में किस स्थान पर हुआ? तो वो स्थान था विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, किस देश की मदद से पाकिस्तान ने 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया है, या पावर प्लांट शुरू हुआ है पाकिस्तान में? तो वो देश है चीन की मदद से। नेक्स्ट है, पीएनबी और बीएसएनएल ने किस मोबाइल वॉलेट को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो वो है स्पीड पे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम के वेंकैया नायडू ने किस शहर में भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का आधारशिला रखी? तो एम के वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने कहाँ रखी है? रांची। आंसर है रांची। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, 8 सितंबर 2017 को भारत में निर्मित तीसरी पीढ़ी की ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का किस राज्य में सफल प्रक्षेपण किया? तो राजस्थान। नेक्स्ट है, उत्तराखंड समेत सभी हिमालय राज्यों में किस तारीख को हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को। नेक्स्ट है, किसने यूएस महिला ओपन एकल खिताब जीता है? स्लोन स्टीफंस। नेक्स्ट है, किस राज्य में शांति के लिए राजनाथ सिंह ने 5C का फॉर्मूला सुझाया? तो वो राज्य है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, 12वां जापान भारत वार्षिक सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने किस शहर में होम्योपैथी के क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? आंसर है अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 4 ऐतिहासिक समझौते 11 सितंबर 2017 को हुए? आंसर है अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया? आंसर है प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट, अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फार पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो मारिया शारापोवा की। लास्ट नॉट लीस्ट, किनकी जन्म शताब्दी पर सरकार ने 110 रुपये के सिक्कों को जारी करने की घोषणा की? तो आंसर है डॉक्टर एम एस सुब्बू लक्ष्मी। इसके साथ ही ये सितंबर का हाफ पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।